देने के कैप्टन अमरिंदर सिंह का अस्तीफा किस तरह देख रहे हो तुसी? तुहानू की लगता है जो जंग नवजोत सिंह ते कैप्टन अमरिंदर सिंह वाल चल रही सी ये हुण खत्म हो जाएगी? नमस्कार दोस्तों, इस समय जेकर गल करिए समय समय दे तुहानू लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। इस संधि असी गलबात करन जा रहे हैं। साडे नाल ने रजिंदर राणा जी, किवें देखते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अस्तीफा किस तरह देखते हो तुसी? परिवर्तन जड़ा है सृष्टि का नियम है जी। कैप्टन साहब साढ़े बड़े सीनियर लीडर ने, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी नू पंजाब च उन्होंने बहुत अच्छी तरह चलाया, उन्हें स्टैंड किया। तो जे आप देखिए उन्हों का जरा कार्यकाल से उन्होंने उनके काफ़ी उपलब्धियां हासिल की। पर क्यों की कारण बने के उन्होंने अस्तीफा देना पै गया हाईकमान के कहते? देखो जी, मैं पहले भी कह रहा कि जो असी लोगों की डिमांड देखते हाँ, हाईकमान जड़ी होंगी है वो कदे भी जड़ा है उस ओवरऑल सारे का देख के ता चलती है कि साड़ी पार्टी का फायदा कितने है, पार्टी नू कितने केड़ी चीज़ का फायदा, यह देख के चलती है कि साढ़े वर्कर की आवाज़ की है। उन्होंने देखते हुए उन्होंने जोड़ा है ये फैसला लिता। जे सब कुछ वधिया सीगा तो फिर क्यों वर्करा नू कहना पाया कि उन्होंने अस्तीफा देना चाहिए? देखो जी, वर्करा ने तो किसी ने नहीं कहा, वो जड़ी उन्हां दी जड़ी आपसी, चाहे सिद्धू साहब ने ये उन्हां दे आपसी जड़े मतभेद, मैं कह सकता रहा थोड़ी बहुत मतभेद हर पार्टी दे विच हुंदे ने, मैं ये नकारांगा नहीं कि लोगों के सामने जड़ी चीज़ दिख रही है उन्हूं देखते हुए पार्टी नूं किवें स्टैंड करना है हाईकमान ने देखना सी। इसलिए उन्होंने जड़ा है कि उन्हां तो इस्तीफा मंगया नहीं है। कैप्टन साहब नूं लग्या कि जड़ा है कि मेरे विश्वास नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने आप इस्तीफा दिता है तो पार्टी के हक में दिता। तुहानू सही लगता है कि जो फैसला हाईकमान ने लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने इस्तीफा दिता है ये सारा सही है सब कुछ? देखो जी, कैप्टन साहब ने बड़ी सोच समझ के इस्तीफा दिता है, तो जे उन्होंने पार्टी के हक में इस्तीफा दिता है तो बिल्कुल सही फैसला ही लिता। की लगता है कि उस समय सरकार बनाई सी जिहड़े वादियां दे उत्ते वो वादे हुण पूरे होणगे? कैप्टन साहब ने जो वादे किए सी उनके विचों मेरे ख्याल 80-90% उन्होंने वादे पूरे किए। 100% तो कोई भी नहीं दे सकता, थोड़ी बहुत जिहड़ी कमी पेशी रह जाती है वो जिहड़े कोई साढ़े नवे CM आणगे जिहड़े हजे ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने वाली है, तो वो जरूर मैं विश्वास करदा कि वो इस चीज़ से फुलफिल होंगे। लगता है कि वो ये वादे पूरे करनगे हुण? बिल्कुल, जिहड़े रहिंदे वादे है वो जरूर वो अपनी कोशिश करेंगे और उन्होंने वो बिल्कुल खरे उतरेंगे। तुसी सहमत हो उन्होंने जो हाईकमान ने फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी का ये उसूल रहा, हाईकमान जो फैसला करती है सारियां नूं उन्दे ते सहमति प्रकट करनी पैंदी है और असी सारे सहमत हैं, असी कांग्रेस पार्टी नाल हैं, किसी एक परसन नाल नहीं। उप मुख्यमंत्री किते ना किते सुनन दे विच सूत्र दे हवाले दस्या जा रहा है कि आशू जी लगे ने लुधियाने, तो उहदे बारे की कहना चाहते हो? बिल्कुल, आशू जी नूं जिहड़ा है सुनन च आ रहा कि उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा, तो वो इस चीज़ नूं डिजर्व करते ने, वो तो CM लई भी डिजर्व करते ने। एक ऐसा कैंडीडेट सीगा साडा जिहड़ा जिन्हें कि लोगों के काम करके लोगों नूं घर तक पहुँचाए ने, होम डिलीवरी बॉय कहने असीं उन्हूं, होम डिलीवरी, वो हर काम जिहड़ा लोगों का फड़दा उन्हूं करके उनके घर तक दिंदा है। तो ऐसा जिहड़ा वर्कर, ऐसा जिहड़ा पार्टी का नेता, उन्हूं अगर कोई पदवी मिलती है तो बड़ी माण की गल है। तो लुधियाने का भी मैं कहना बहुत अच्छे किस्मत है कि आशू जी वर्गा लीडर सीगा तो इतने डिप्टी CM की जिहड़ी वो पोस्ट आई है। तुहाडी की गतिविधि रहेगी इस समय जो चोणां आ रही ने 6 महीने तक वो बारे? देखो जी, चोणां जिहड़ी गतिविधि असी सदा ही कांग्रेस पार्टी लई समर्पित रहे हैं, असी पूरी जोर शोर नाल जिहड़े साडे जिथे ड्यूटी लगेगी असी उन्हूं निभावांगे। अगे आस पास तुहाडे जिहड़े वर्कर ने तुहाडे नाल चलदे ने वो खुश ने इस समय जो CM बने ने? बिल्कुल खुश ने जी, पार्टी जिहड़ी हाईकमान जो जो फैसले लैंदी है वो उन्दे ते सानू मनना पैंदा और सानू मनना भी पएगा, क्योंकि परिवर्तन मैं पहले ही कह रहा कि आपां अपने घर तो भी लै लीए, सता साडे फादर साहब कोल सी पहला, साडे फादर साहब साडे मुखी हुंदे सी, उन्हां तो बाद बेटा आ जांदा, फिर उन्हां दा बेटा आ जांदा, ये तो चलता रहिंदा। तुहानू की लगता है जो जंग नवजोत सिंह ते कैप्टन अमरिंदर सिंह वाल चल रही सी ये हुण खत्म हो जाएगी?
जंग कोई नहीं सी जी, विचारां दे मतभेद सीगे ओ तां सदा ही रहिंदे ने और अगे भी रहने चाहिए ने। एक पार्टी नूं सरवाइव करन लई ये चीज़ां दी लोड़ बहुत जरूरी है। नहीं जी, उन्होंने मैनूं लगता ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये जरूर कहा मेरी जिहड़ी अगली जिहड़ी प्लानिंग है वह मैं जिहड़े मेरे नाल दे सीगे उन्होंने बैठ के करूँगा कि असी पार्टी का किवें सहयोग करना किवें रहना। तुहानू लगता है कि किसी होर पार्टी दे विच जा सकदे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, हजे कांग्रेस नहीं उन्होंने छड्डी, उहदे बारे की कहना? नहीं जी, मैनू नहीं लगता। वह कैप्टन साहब इन्ने सीनियर नेता सारे उन्हों का रिस्पैक्ट करते हो यह जहाँ डिसीजन लैन गए। लोगों के आवाज़ है कि कितने ना कि बीजेपी के जाते उन्होंने सार नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बीजेपी किसी होर पार्टी में असं सोचते बीजेपी नाल किवें जा सकते हैं जिहड़ी किसानी के इन्ने विरोध च ने, लोग जिस पार्टी तो खफा ने उस पार्टी नाल अपना संबंध किवें बना सकते हैं। उन्होंने हमेशा किसानों की आवाज़ चकी है जी, कि ना कि यह भी कह लोगों के आवाज़ है कि इस सब तो वड्डा जो मुद्दा सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह अकाली दल नाल रल के चलते सीगे, इस बारे तो अफसोस हुंदा जिहड़े इह जिहे गल्लां करदे ने। अकाली दल नाल रल के चलण वाली तो कि गल ही नहीं है, कदे ऐसा हो ही नहीं सकता। किन्ने उन्होंने 18 साल उन्होंने किन्ने 18 परचे चले ने अकाली सरकार ने किते ने उन्होंने और उन्होंने भोग रहे ने, चाहे कोई भी परचे आ अज तक उन्होंने हमेशा अपोजिशन च बोलते रहे ने, उन्होंने रल के किमें चलन गए? उन्होंने विरुद्ध उन्होंने कार्रवाइया कराइया, उन्होंने जोड़े बेअदबी कांड से STF जी बनाई, उन्होंने विरुद्ध जोड़े CBI इनकुआरियां बिठाइया, तो नाल किमें चलते हैं? तो मैं लास्ट सवाल मेरा यही होएगा कि अपने कांग्रेसी वर्करां अपने आले दुआले जिहड़े तुहाडे नाल चलते हैं कांग्रेसी, उन्होंने की कहना चाहते हो, की संदेश देना चाहते हो इस मौके? CM नवे बन चुके ने सुखविंदर रंधावा जी, उस बारे अपने वर्करां की कहना चाहते हो? देखो जी, पार्टी कांग्रेस पार्टी दे ओ उन्होंने CM बनाया, सारे कांग्रेसी वर्करां मैं संदेश देवांगा कि उन्होंने साथ दें ते आने वाली जिहड़ी इलैक्शन ने उन्होंने लिए अपनी कमर कस लें। लगता है कि BY दे विच वड्डी मात्रा दे विच वोटां हासिल कर सकनगी कांग्रेस पंजाब दे विचों? निश्चित ही कांग्रेस एक वड्डी पार्टी दे रूप च उभर के आऊगी तो एक वड्डी जित हासिल करेगी, क्योंकि तुसी देख ही रहे हो किसानी दा जिहड़ा मुद्दा है वह चल रहा कि BJP दा वैसे ही बंटाधार है, अकालिया ने बेअदबी की उन्होंने कोई मूँह ला के राजी नहीं, और जड़ी आम आदमी पार्टी है उन्होंने कोई ऐसा फेस नहीं है, तो रह कौन गया? कांग्रेस पार्टी जी। और कांग्रेस पार्टी का हर पासों ही बेनीफिट है, नवी लीडरशिप है, नवा जोश है, तो एक नवा इतिहास रचा जाऊगा। इस वक्त जेडे कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल MLA सीगे वो कुछ खफा तो नहीं, उहदे बारे कोई जानकारी है तो दस दो? बिल्कुल नहीं, तुसी देखो सारे इस टाइम इकट्ठे हुए ने पंजाब भवन कांग्रेस भवन से, सारे इकट्ठे होके उन्होंने अपने फैसले दिते, जिहड़े ऑब्जरवर आए थे उन्होंने अपना वो दसे अपने फैसले दसे और उनके हिसाब न जी हाईकमान ने फैसला किया, सारे इकट्ठे ने। हुण तुसी देखोगे जदों सुखी रंधावा जी या जिन्हों ऑफिशियली CM उलीकिया जाए उनके नाल सारे उत्थे गवर्नर हाउस से इकट्ठे होणगे। ठीक है, इस समय असी रणजिंदर राणा जी नाल गलबात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह हाईकमान का आदेश है सानू प्रवान है, तो CM नवे CM बने ने उन्हों का स्वागत करते हैं, तो अगली अपडेट जल्द लैके हाजिर होवांगे। हुण लई दिओ इजाजत, प्रीत डुगरी दे नाल हलवा दोस्तों।